कि ऐसी दुर्घटना हमारे बीएचयू जैसे इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में घट रही है और इसके पीछे कोई कुछ करने वाला नहीं है। वीसी साहब ने भी बहुत सारे हमें वादे किए कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ किया नहीं, अभी तक आए नहीं है। वी आर वेटिंग फॉर होम कि आ जाए तो शायद कुछ हो जाए, बट आई डोंट थिंक वो आएंगे। और हमने भी फ्रंट कर लिया कि जब तक वो नहीं आएंगे हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है, तो बेटर ही शुड कम हियर और यहाँ पे आगे वो डिसाइड करें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन लेंगे, अदरवाइज हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। पहली बार ऐसा हुआ है इतने दिन तक, इतने देर तक, 24 घंटे ऑलमोस्ट हो गए, उससे ज्यादा हो गए, अधिक हो गए, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। ही डिड नॉट कम अभी तक वो आए नहीं है। व्हाट ही वांट, मतलब अब हम क्या चाहिए, हमने जो अपनी शर्तें रखी है वो भी वो मानने को नहीं तैयार है। ऊपर से ये जो सारे न्यूज पेपर से ये सारे गलत न्यूज छाप रहे कि हम एम्बुलेंस नहीं जाने दे रहे और भी बहुत सारी चीजें, तो व्हाट ही वांट, ये अपने मतलब आई डोंट नो, हमें कुछ करना चाहिए इसके लिए। कतिपय राष्ट्र विरोधी और राजनीतिक दलों के द्वारा ये प्रेरित और प्रायोजित है छात्राओं का धरना। परसों रात में अचानक एक खबर आई कि एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई है, उसकी अभी विश्वविद्यालय प्रशासन जांच कर ही रहा था, तब तक धरना शुरू हो गया। पूरी तरह से राजनीतिक रूप से प्रेरित और प्रायोजित है और इसमें बाहरी तत्व शामिल हुए हैं और इस धरने को विश्वविद्यालय की माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे को देखते हुए उन लोगों ने प्रचार प्रसार की नियति से विश्वविद्यालय की छवि को नकारात्मक रूप प्रदान करने के लिए बाहरी तत्व, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस धरने में 80% बाहरी लोग हैं।